जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने जेबी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और फिर खबरें देखना आरंभ करें। खबर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और दोस्तों में फॉरवर्ड भी करें। आप जानते हैं कि इस वर्ष भारत में गणेश चतुर्थी विसर्जन का कार्यक्रम और ईद ए मिलाद का जुलूस एक ही दिन आ रहा है। इसी को लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों ही चिंतित है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि दोनों का विसर्जन और जुलूस का समय एक ही है। इसी को लेकर कई बार सभाएं हुई, पुलिस थानों में सभा हुई, गांव स्थल पात्री पर सभा हुई, यहां तक कि पुलिस प्रशासन ने अपने मुख्यालय में भी एक बैठक ली जिसमें लोगों से गुजारिश की गई कि वे जुलूस एक दिन आगे बढ़ा के निकालें इस या फिर दूसरे दिन सवेरे निकालें या उसी दिन सवेरे निकालें। लेकिन सब बात का हल निकाल के इस तरह का निर्णय लिया गया कि एक जुलूस जो है उसे दूसरे दिन निकाला जाएगा। इसी को लेकर पालघर के तंजीम के अध्यक्ष साजिद भाई ने एक मीटिंग बुलाई और जिसमें पालघर के तमाम तहसीलों से, मस्जिदों से ट्रस्टी और जिम्मेदार लोग आए। सभी ने अपने सुझाव दिए और यह तय किया कि हम जुलूस शांतप्रिय तरीके से शुक्रवार को बाद नमाज जुमा निकालेंगे, क्योंकि एक दिन पहले निकालते हैं तो हो सकता है तनाव हो सके। हमारे त्यौहार की खुशी इस तरह होने चाहिए कि हर धर्म के लोगों को और हर लोगों को एक सबक मिले, और हमने इसीलिए एक दिन बढ़ा के शुक्रवार के दिन जुलूस निकालने का तय किया। अब इस बात में जब सभा हुई, सभा साइलेंट रिसोर्ट में हुई, जहां पे ये भी मांग की गई कि जिलाधिकारी से गुजारिश की जाएगी कि वे छुट्टी जो गुरुवार के दिन घोषित की गई है उस छुट्टी को शुक्रवार को घोषित करें। जिलाधिकारी पालघर को ये पावर से कि वो छुट्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। लोगों ने ये भी बनाए रखी कि जुलूस में वे पूरे शांतिप्रिय तरीके से पुलिस के नियमों के अनुसार, प्रशासन के नियमों के अनुसार इस तरह से जुलूस निकालेंगे कि वो एक सबक बन के सभी के लिए रहेगा। शांतिप्रिय तरीके से जुलूस निकाला जाएगा। पालघर में जो जुलूस निकलने वाला है उसका एक प्लानिंग रफीक लुलाले ने दिया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अलग अलग कमेटियाँ बनाई हैं और उन कमेटियों के तहत वे वहाँ पर काम करेंगे। जितने भी जुलूस निकलेंगे, जितने भी लोग जुलूस में आएंगे, उसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमेटियाँ गठित की गई हैं जिससे कि शांतिप्रिय तरीके से जुलूस निकाला जाए। बड़ी बात यह रहेगी इस जुलूस में कि यहाँ पे इस बार गैर मुस्लिम लोगों को दावत देकर पालघर के जुलूस में शामिल होने के लिए कहा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि मुस्लिम धर्म के जो त्यौहार हैं, मुस्लिम धर्म के जो जुलूस हैं, उसे निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और वो ध्यान रख रहे हैं। अमन और चैन के साथ निकालने वाला जुलूस एक इतिहास जुलूस रहेगा। इसी तरह से रफीक लुलाले ने गुजारिश की कि तहसीलों में, गाँव में जो भी जुलूस निकाले वो इस तरह से निकाले जो कि एक सबक बन के रहेगा। और उन्होंने ये भी आह्वान किया यदि किसी को उनका मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो वे ज़रूर रफीक लुलाले से पालघर में संपर्क करें, क्योंकि अभी दिन बाकी हैं, प्लानिंग की जा सकती है और एक मिसाल के तौर पर अच्छी तरीके से जुलूस हर जिले में, हर तहसील में, हर गाँव में, हर मस्जिदों का जुलूस आज शांतिप्रिय तरीके से निकाला जा सकता है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पालघर जिले के मुंबई अहमदाबाद महामार्ग के मनोर गांव में स्थित साइलेंट रिसोर्ट में एक सभा संपन्न। इस सभा का अध्यक्ष स्थान तंजीम के अध्यक्ष साजिद शेख को था तो मंच पर रईस खान और रफीक लुलाना जी उपस्थित थे। उनके साथ मंच पर मनोर के ट्रस्टी जनाब रईस साहब भी उपस्थित रहे। सभी ट्रस्टियों से बात करने के बाद यह तय हुआ कि 28 तारीख के दिन बाद नमाज जुमा जुलूस निकाला जाएगा और उसकी कुछ गाइडलाइंस भी बनाई जाएंगी जिससे कि समय के चलते कोई अनहोनी ना हो और आराम से खुशी के साथ जश्न मनाते हुए जुलूस निकाला जाए और समाप्त भी किया जाए। पूरे मनोर की बात नहीं, पूरे पालघर जिले की बात नहीं, बल्कि आलम इस्लाम में जहां भी आशिक रसूल है वो सब अपने अपने तौर पर मुसलमान लब्बैक कहता हुआ तैयार हुआ और प्रशासन के सामने अपना प्रस्ताव रखा और प्रशासन ने इस बात को मंजूर किया। ये कहते हुए कि फर्ज है हर मुसलमान पर मोहब्बत कौम की, खुद रसूल अल्लाह फरमाते थे खिदमत कौम की। कौम है क्या चीज है, सब अपने भाई बंद है, अपनी इज्जत है जो हो दुनिया में इज्जत कौम की। इसलिए
हम एक मुट्ठी में बंद कर, मेरा ख्याल है और बहुत मुदब्बराना गुजारिश है कि हम सबको एक साथ बंद जाना चाहिए ताकि हमारे जुलूस की फजीलत, हमारी जमात की फजीलत, हमारे ईद मिलादुल नबी की फजीलत इकट्ठा होकर एक बरकतों में तब्दील हो जाए, ना कि हम मुंतशिर हों। ये हमारी अपील भी है और मुदब्बराना गुजारिश भी है। अस्सलाम। लेकिन प्रशासन ने हमें जिस तरह से कहा कि अपने पालगढ़ का जो ग्रामीण हिस्सा है वहां पे सुबह का जुलूस निकाला जाएगा, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो हमने सुबह के जुलूस के लिए हमने तैयारी की और सुबह का ऐलान भी कर दिया, लेकिन कुछ मसाइल के लिए वापस पुलिस ने, प्रशासन ने हमें कहा कि आप 29 तारीख को जुलूस निकाले। तो फिर हमने कहा कि हमारी मीटिंग मतलब मुस्लिम समाज की मीटिंग है, उसमें जो भी तय होगा और सारे लोग अगर 29 तारीख को निकाल दे तो इंशाल्लाह हम भी उसके लिए तैयार है। लेकिन हमने उनको कहा कि सुबह में हम लोग निकालेंगे, हम लोग का जुलूस 4 बजे निकलता। बहुत खुशी की बात है कि कोई ना कोई मकसद से हम तमाम पालगढ़ के नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद हुए हैं, इससे और क्या खुशी चाहिए। और जो खुशी मनाने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं बिरादरों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, और उसमें कुछ दिक्कत आ चुकी है। पुलिस प्रशासन की जानिब से हर जगह पे गांव गांव में मीटिंग लेके बताया गया कि आप प्रशासन की बात को लब्बे कहते हुए मानते हुए साथ साथ में आपके तमाम मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदों की तरफ से आई हुई बात को मानते हुए इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उस दिन हम मीटिंग में तारापुर से लेके हर जगह पर यह मीटिंग हुई पुलिस प्रशासन की, और साथ साथ में आपने आप लोग जहां पर स्टेज पर बैठे हुए वहां से आदेश मिला कि भाई इस तरह चलना है और हमें एक होना है। तो इस बहाने से यहाँ एक वो तारापुर बगल में ही रहते हम लोग चिंचल वाले, हमारा जुलूस सुबह में निकलता है, 9:30 बजे निकलता है, 12 बजे खत्म हो जाता है और गणपति विसर्जन 5:30 बजे के बाद शुरू होता है। मगर इस बात को हम नजरअंदाज न करते हुए जब अपनी यहाँ की हुकूमत अपने लोग एक साथ मिलके जो 29 तारीख को मनाने वाले है, तो हमारे ट्रस्टी हजरात भी यहाँ आए हुए हैं, हम लोगों ने भी तारापुर के बात को लब्बे करते हुए और आपकी बात को सुनते हुए इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह जुलूस निकलेगा, मगर सुबह के निकालेंगे, तो 29 को अगर हुआ तो सुबह निकालेंगे क्योंकि वक्त सुबह का ही वहां अच्छा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। पहले को अपना कंट्री कमेटी का कुछ अपने को ये भी नहीं था कि अपनी जो मीटिंग रखने वाले 14 तारीख को, ये 14 तारीख के आगे की बात है, तो हमने बोला कि ठीक है सुबह में हम जुलूस निकाल डालेंगे अन्य गणपति का विसर्जन 4 बजे के बाद होता। फिर वापस सांसदता कमेटी के आमदार ने एक मीटिंग लिया जवाहर ने, तो उसके अंदर साथी भाई का फोन भी आया कि अपनी 14 तारीख को मीटिंग है। फिर हमने और जाके उनको बोला कि बाबा हमारे जो तंजीम कमेटी का जो भी फैसला होगा वो फैसले से हम चलेंगे, अन्य जो जुलूस दूसरे दिन निकालने का होगा तो हम तुमको एक बोलेंगे पुलिस प्रशासन को, अन्य पुलिस प्रशासन ने मान्य किया वो। शुक्रिया। हम हिंदुस्तान में जहां भी रहते हैं हमारी कोशिश ये रहती है कि कैसे हम अमन से रहें और कैसे हमारे इलाकों को अमन में रखें और कोई भी खुराफात ना हो, इसके लिए हम मुसलमानों की अक्सर कोशिश होती है। आज हम कौन पीछे हैं भाई, वो नहीं पुकारे साहब ने और सब जिस तरह से हाजिर हुए बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह से हाजिर हुए आगे भी रफीक भाई ने जिस तरह से बताया बहुत अच्छी बात है, हमारा साथ होना चाहिए। मैं मोहम्मद अजीज कलासरी से सुन्नी रजा जामा मस्जिद के सदर हूँ, आवाम का बहुत तरह जैसे बात हुई मीटिंग के अंदर 2-3 दिन पहले मीटिंग में थी हमारी, बोले कि भाई ये जो प्रोग्राम है 28 का आप किस तरह से करेंगे, तो हमारा जुलूस जज्बा है करके हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और आज खास मुद्दा है ईद मिलादुन नबी का, तो पालघर में पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैं रफीक भाई हम लोग सब शामिल थे, पालघर के भी कुछ लोग थे, तो पहले ऐसा तय हुआ था। पालघर में पहले ऐसा तय हुआ निकाला है कि आप लोग 28 को न मनाते हुए, तो मैं बोला कि भाई आपका ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है कि हमको 29 तारीख को ही मनाना है, ऐसा ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है? अगर हमको 28 को मनाना है, अगर हमारे शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन उनका ऐसा कहना था
कि आप इसको ऑर्डर के तहत समझें कि ये तो हमारी गुजारिश है। क्या है, बोल रहे हैं कि सामने इलेक्शन का माहौल है, माहौल खराब करने के लिए कहीं से भी कुछ भी लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ही गुजारिश रखी है कि अपन ये सब मद्देनजर रखते हुए 29 को करें तो सबके लिए बेहतर होगा। अगर कुछ लोग सोच भी रहे कि 28 को करना है, तो अगर आप वहां पे लेटर देने जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक आदेश आ जाएगा कि भाई आपको 28 को आदेश नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आप लोग बात जान ले। और जबकि ऊपर से हमारी जो मीटिंग हो गई, ऊपर से भी उन्होंने अपने को कहा है कि 29 को जाना है, और खास आज यहाँ पे मीटिंग भी लगाई हुई है, उसी लिए लगी है, हम लोग मशवरा करने के लिए लगे हैं। तो जो सबका मशवरा होगा वही पालघर में हमारा भी वही रहेगा, जो तारीख तय की जाएगी वही तारीख पे हम लोग सब साथ में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस मनाएंगे। और रहा कलेक्टर से निवेदन करने के लिए, तो मैं अध्यक्ष साहब से बोलूंगा कि एक कमेटी गठन करे 5-6-7 लोगों की जो अच्छे इस पे है, और उनको साथ लेके वो कलेक्टर और एसपी को निवेदन करे कि हम आपकी कुछ बातें मान रहे हैं तो आप भी कुछ हमारी बातें मानिए। तो उनसे हम बातें करेंगे और इसके ऊपर भी खुलासे में चर्चा करेंगे। लग रहा है इतनी सुकून के साथ हर एक आदमी अपने अपने सजेशंस और आइडिया दे रहे। हमारे बुजुर्ग है रफीक भाई, नासिर भाई, और बोईसर से सबसे पहले किसने सजेशन दिया वहां पे, बोईसर से क्या नाम है आपका जरा, इन्होंने बहुत स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी कर दी माशाल्लाह, एक माहौल बन गया। लास्ट सैटरडे शनिचर के दिन जो है ना, वो साजिद भाई का फोन आया कि रफीक भाई इस तरह से खिलाफत हाउस से जो है वो एक ऑर्डर निकला है कि हम जुमे को करेंगे, तो अपने पालघर डिस्ट्रिक्ट की भी ये मीटिंग लेनी चाहिए। और मैं साजिद भाई, अमीर रईस, फारूक पटेल और आरिफ पटेल की ऑफिस में मिले हम लोग। तो मेरे मन में ख्याल आया और ये सोच के मैंने गया कि भाई मैं तो पालघर का सुबह जुमेरात को ही निकालूंगा। उसके बाद फिर हम लोग बैठे, फिर वापस ख्याल आया डिस्कशन के बाद कि अगर चांद ही हमारा जो है ना वो जुमेरात को, अगर चांद 30 का हो जाता है तो हो सकता है कि जुमे के दिन ही ईद मिलाद हो जाए, फिर क्यों मीटिंग की जरूरत है। तो बस मन ही मन में सोच रहा था, साजिद भाई को बोला भी मैंने कि भाई मुझे नहीं लगता है कि इतने लोगों को जमा करके मीटिंग लेनी चाहिए ऐसा। तो ये एक मेरी सोच थी जो मुझे मंडे के दिन हमको पुलिस स्टेशन में जब बुलाया गया, रईस खान हम लोग सब गए थे और वहां पे जो पीआई ने हमसे बात की, उन्होंने रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो रिक्वेस्ट के अंदर एक मतलब ऑर्डर ही था कि आपको कंपलसरी जो है वो फ्राइडे के दिन ही करना है। और मैंने उनके साथ काफी आर्ग्यूमेंट्स भी की, लेकिन मेरे साथ जो 10 लोग थे उसने मुझे समझाया कि नहीं रफीक भाई, ये जो बोल रहे हैं ना उनके हिसाब से अपने को चलना चाहिए। और फिर उन्होंने भी काफी 2-3 एग्जाम्पल दिए हमारे को, और उन्होंने जो है ना कारण बताया जो अभी मैं अपने पब्लिशली बता नहीं सकता हूं आपको। और उसने बोला ये साल तो तुमको ख्याल रखना ही है, बोलता है अगले साल अगर गणपति और ये दोनों नहीं भी साथ में आते तो अगले साल भी बहुत तहकीकात से काम करना है, बोलता है इलेक्शन आ रहा है ध्यान में रखो। आते के साथ मैंने रात को साजिद भाई को फोन किया और साजिद भाई को एक मुबारकबादी दी कि साजिद भाई आपकी सोच कितनी दूर अंदेशी है माशाल्लाह, कि आपने ये मीटिंग लेने का जो इरादा किया था वो मीटिंग बहुत बहुत जरूरी थी। जब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो बात मैंने सुनी पीआई से, और उसके बाद डीवाईएसपी मैडम का भी मुझे फोन आया, एसपी साहब से भी बात हुई, तो ये मतलब जब ये बात मैंने 2-3 फोन आने के बाद, खास करके मैं बहुत ही दिल से मतलब दुआ करता हूं और मुबारकबाद देता हूं हमारे साजी साजिद भाई साहब को कि उन्होंने आज कौम की ये फिक्र की है। और आप लोग एक आवाज के ऊपर यहां पर आए हो, जितनी फिक्र साजिद भाई को कौम की है उतनी फिक्र आप सबको भी है, लेकिन आवाज देने वाला जो है ना वो कोई होना चाहिए। देखो आज एक आवाज पे सब आ गए यहां पे, लेकिन सबको फिक्र है। तो माशाल्लाह जो है वो ये फिक्र हमारी बहुत जरूरी थी, आज की मीटिंग बहुत जरूरी थी। और कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको हालात अपनी हालात बदलने की फिक्र ना हो, तो फिक्र करनी चाहिए। लगे हुए है कहां कचरा गिरता है, जुलूस हमारा जैसे पालघर का एक जुलूस निकलता है तो करीब करीब 10,000 लोग वो जुलूस में शामिल होते हैं। सबसे बड़ा जुलूस जो है ना वो पालघर का ईद मिलादुन नबी के दिन निकलते, करीब करीब 10,000 लोग होते हैं।
लेकिन जुलूस कितने हिस्से में बढ़ जाता है। हाँ, तो इस बार हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ कोशिश करें और जुलूस को जो है ना एक अच्छे तरीके से निकालने की कोशिश करें। तो माशाल्लाह हम लोग ने जो है ना पिछले 4 हफ्ते से हमारे अलग अलग एरिया और इदारों के अंदर जो है ना मीटिंग ली और हम लोग ने 100 लोगों को इन्वाइट किया था मीटिंग में, जो कि अच्छे है, यंग है और काफी अच्छा काम कर सकते हैं। और आप मानो कि वो सब लोग उस मीटिंग में, तीनों मीटिंग में हाजिर रहे। वापस कल रात को हमारी मीटिंग है और ये 3 मीटिंग का रिजल्ट यह आया है कि हम लोग ने जो है वो पूरे जुलूस को कंट्रोल करने के लिए 60 वॉल्यूंटियर्स तैयार किए, सामने से आए अलग अलग एरिया से 10 लोगों ने नाम दिया है, 60 वॉल्यूंटियर तैयार हुए जो जुलूस की लाइन को जो है ना अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। वो 60 वॉल्यूंटियर के ऊपर हम लोग ने 6 सुपरवाइजर अपॉइंट किए हैं जो सुपरविजन करेंगे 10-10 लोगों के, ये जुलूस कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, गलत नारे नहीं लगने चाहिए, कोई डीजे पे डांस नहीं करना चाहिए, पूरा पूरा डिसिप्लिन जो जो हमने बनाया है रूल्स उसके ऊपर ये वॉच रखेंगे। उसके बाद 11 कमेटी हम लोग ने बनाई, ये 11 कमेटी के अंदर जो है ना हमने अलग अलग कमेटीज बनाए और उसके जिम्मेदारों के हम लोग एक हम लोग ने जो है ना वो लाइन कमेटी बनाई कि लाइन परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरी हम लोग ने स्टॉल कमेटी बनाई क्योंकि पालघर में हमने हमारे जो है ना वो जो सुनी जामा मस्जिद सलाम के बारगाह में हम दरूद व सलाम पेश करें। मेरे साथ पढ़ें, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, बिल अदद औराकिल अज्जार। अल्हम्दुलिल्लाह जितने दरख्त और दरख्तों पे पत्ते हैं उतनी तादाद में इंशाल्लाह दरूद पढ़ने का सवाब हमें मिला, अल्लाह कबूल फरमाए। ये के तकरीबन मेरा ख्याल 4 लाख से यहाँ पर हमारे पास मुस्लिम इलाकों के अक्सर नुमाइंदे पहुँचे हैं। बहुत खुशनसीबी की बात है, अल्लाह ने चुन लिया है इसलिए हम यहाँ पहुँच सके हैं। और अल्लाह के रसूल की इस आमद की खुशी में जो हमको जुलूस निकालना है उसकी तैयारी में हम यहाँ पर मिले हैं। तो हमारी फिक्र बहुत अच्छी है, हमें कौम की फिक्र है और हम इंशाल्लाह यहाँ पर रहते हुए इस हिंदुस्तान के मुल्क में हम खुशी से और अमन के साथ रहने वाले लोग हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर मिलके इसको आगे लेकर चलेंगे। तो जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि बेशक ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए और एक फोरम बनाने का आज एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म जिसमें हम हमेशा मिल सकें, साल में 2 बार 3 बार जैसे भी आप लोग मुनासिब समझे या कोई डेज फिक्स कर दें कि ये फलाना तारीख के बाद हम लोग का या 3 महीने के बाद एक और मीटिंग होगी। तो जो भी मुख्तलिफ इलाकों के मसले हैं वो हम साथ में रह के एक प्लेटफॉर्म पे एक आवाज़ के साथ हम इसे कर सकेंगे इंशाल्लाह। मैं भी कुछ 2 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि ईद मिलाद का जुलूस जो हम निकालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पालघर है या मनोर है या और भी कहीं पर कई कई जगह है वहाँ बहुत अच्छे तरीके से निकलता है जुलूस। रफीक भाई ने पूरा शेड्यूल अपना सिर्फ पालघर का बताया है, तो यहाँ जितने भी लोग हैं रफीक भाई ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि जुलूस में हम क्या क्या कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हर गांव में हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, जुलूस बिल्कुल तरतीब से। यहाँ तक के बल्कि उलमाए किराम हमारे फरमाते हैं कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस हम निकाल रहे हैं उसमें बहुत अदब रखना चाहिए, यहाँ तक कि हमारी गर्दनें भी झुकी हुई आना चाहिए। ये नहीं कि रास्ते से हम चल रहे तो इस घर में देख रहे उस घर में देख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पूरे जमाने को ये सबक दिखाना है, वो हमसे कुछ सबक ले कि ये मुस्लिम कौम कितनी अदब वाली है, ये कितनी अदब से चलते हैं और कैसा ये लोगों को पैगाम पहुंचाते। तो हमको अपने जुलूस में सब लोगों के लिए कहता हूं कि जुलूस को बड़े अदब और एहतराम से निकाले और जुलूस के अंदर अपने यहाँ तो नहीं लेकिन सुनते हैं कि बॉम्बे वगैरह में यहाँ तक के लेडीज भी शामिल हो जाते हैं जुलूस में, तो ये मना है, लेडीज को भी उसमें जुलूस में शरीक नहीं होना चाहिए और गलत गलत नारे भी नहीं लगाना चाहिए। और दूसरे कौम को हमको हमारी वजह से कोई तकलीफ हो ऐसी कोई हरकत हमको नहीं करना है, हमको अपने मजहब को पेश करना है कि हमारा मजहब देखो कितना अच्छा है, तो इस पर हम लोग गौर करें और अच्छे तरीके से जुलूस निकालें। और एक बात, बहुत से लोगों ने कहा है कि जुमा को अगर गवर्नमेंट कहती है कि हो जाएगा जुमा को अगर गवर्नमेंट कहती है कि जुमा को आप लोग जुलूस निकालो तो ठीक है,
पूरे पालघर जिला इस गवर्नमेंट की इस बात को तस्लीम कर रही है, उनका हम लोग मान रखते हैं कि ठीक है हम जुम्मा को निकालेंगे। इतना बड़ा हमारा त्यौहार, साल में एक ही जुलूस निकलता है, वो हम दिन टाल कर एक दिन लेट कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में अमन और शांति रहे, इस बात को हमने एक्सेप्ट किया है। तो हमारी तरफ से गवर्नमेंट को भी, मैं जो अभी रईस भाई है, साजिद भाई, रफीक भाई, इन लोग का उधर कलेक्टर से अच्छा कॉन्टैक्ट होता है, तो मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा। देखो कलेक्टर को, मेरे नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, कलेक्टर को गवर्नमेंट पूरे साल की छुट्टियां डिक्लेयर पहले से करती है, साल भर में कितनी छुट्टियां रहेगी, पब्लिक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, लेकिन कलेक्टर को पावर्स रहते हैं, उसके पावर्स के अंदर वो 5 छुट्टियां एक्स्ट्रा दे सकता है, ये कलेक्टर को पावर रहती है। तो वो पावर के अंदर अगर हमारी ईद मिलाद की तो हमको छुट्टी होगी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो छुट्टी अगर चेंज हो रही है तो हम अगर जुमा को हम ईद मिलाद मना रहे तो कलेक्टर से आप लोग जो इन लोग बैठे हैं ये कलेक्टर से अप्रोच हो और जुमा की हमको पूरे पालघर जिले के लिए छुट्टी डिक्लेयर करें, ऐसी कोशिश करें। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमको बोलने का मौका दिया जाए, बिल्कुल सही है, इतने सब लोग हम दूर दराज से आए हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों ने ये मैसेज आपको पहुंचाया है, आपको आप लोग लब्बैक कहते हुए जमा हुए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का करम है। तो हमारे बहुत सारे मसाइल है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आज ये वक्त नहीं है हमको उस पर डिस्कस करने का, क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे मसाइल को भी हल करने की कोशिश की जाए, उसके लिए कोई नुमाइंदे हो, तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, शायद आप किसी को बुरा भी लगेगा, एक पालघर जिले की पालघर फलाही तंजीम, पालघर फलाही तंजीम नाम की 2020 में एक ऑर्गेनाइजेशन यहां हमने रिकॉग्नाइज की है, रजिस्टर्ड है पूरे पालघर जिले के लिए, पालघर जिले के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, पालघर जिले के लिए यह तंजीम बनाई गई सिर्फ और सिर्फ, जैसे अभी आप लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो मसाइल है उसको हम कब पेश करेंगे, उसको हल करने की कौन कोशिश करेगा, आज जमा हुए तो आज करो, ये आप लोगों की सबकी राय, मेरी भी वही राय, लेकिन आज वक्त नहीं है। तो इसके लिए हमको अलग से मिलना चाहिए, आप लोगों के पास साजिद भाई का नंबर होगा, रफीक भाई का होगा, रईस भाई का भी नंबर होगा, मेरा भी होगा आपके पास, तो जिसका आपके पास नंबर है उनसे कॉन्टेक्ट करो, 5 मिनट बात तो करो आप कि देखो साजिद भाई हमारे गांव का ऐसा मसला है, हमको आपसे मिलना है, एक मीटिंग करना है, कब आए हम, तारीख लो आप, मीटिंग लगाएंगे, उस मसले को हत्तल इम्कान हल करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। और तंजीम का एक प्लेटफॉर्म, अच्छा देखो भिवंडी में भी थाना जिले के लिए भी एक तंजीम है, पालघर जिले के लिए भी एक तंजीम है, हर जिले के लिए है। तो अपने जिले के लिए हम लोग जब जमा होते हैं, हमारे जो मसाइल है उसको हम लोग रखेंगे सामने, तो हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इन लोगों को क्या ख्वाब गिरा है क्या कि आपके गांव में क्या मसला है, हमको अपना जो मसला है पेश करना चाहिए। अदनान भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, उनके दिल में बहुत सारी तड़प है कि मुझे कुछ बहुत सारी बातें बताना है, लेकिन माजर के साथ चाहता हूं आज वक्त नहीं है, इसलिए उनको हमने मना किया, लेकिन आप लोग कॉन्टेक्ट करें और इंशाल्लाह अगली कभी भी आप लोग सब मिलकर एक तारीख रखेंगे, इसी तरह सबको बुलाएंगे और अपने कौम की खिदमत का जज्बा रखते हुए सारे मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। आखिर में एक बार कहता हूं, ईद मिलाद का जुलूस बड़े अदब और एहतराम से निकाला जाएगा। वो हमारा जुलूस निकालना है वो हिसाब से हमने मुनक्किद की है, इसमें बहुत सी बातें सामने आई कि जुमेरात को मतलब उन लोगों का गणेशोत्सव का जो ये है वो हिसाब से अपने को उनकी मिरौनक है और जुमेरात को ही अपनी ईद मिलाद आएगी ऐसा है। इसके लिए इसके पहले ही खिलाफत हाउस ने उसके पहले डिक्लेयर किया कि ये जो मीटिंग है, ये जो अपना जुलूस है वो इंशाल्लाह जुम्मा को निकलेगा, ये अपने उलमा ने भी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या हुआ था कि एक ऐसा मैसेज आया था पुलिस प्रशासन की तरफ से कि तुम लोग अगर जुमेरात को सुबह में अगर जुलूस निकालते हैं तो ये चलेगा, ऐसा एक मैसेज था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, तीन दिन पहले ही एक मैसेज आया कि आप लोग प्लीज ये जो है ये तुम्हारे पूरे महाराष्ट्र में जो उलमाओं ने तुम्हारे बोला है या खिलाफत हाउस से जो मैसेज आया उसके ऊपर ही तुम अमल करो। इसके लिए ये एक बात थी, लेकिन इसका अंदेशा हमारे कुछ लोगों को था, कुछ बड़े लोगों को था कि ये मामला आने वाला है,
इसके लिए मैंने कुछ चंद लोगों से डिस्कस करके और हमारे डानू से सलीम भाई का भी मुझे फोन आया कि साजिद भाई ऐसी ऐसी बात है और अपने को क्या करना चाहिए, तो मतलब ठीक है अपन एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और अपन वो मीटिंग के अंदर तय करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी ये जो है अपने को हमारी कौम जो है एक कौम को अगर कुछ ऐसे मामला आते हैं तो हम लोग थोड़े एक कदम पीछे हट गए तो कोई मामला नहीं होता नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। तो इंशाल्लाह हमारे को और हमारे जो जितने भी लोग यहाँ जमा हुए हैं इन लोगों की सबकी एक मशवरा दिख रहा है कि ये अपना जुलूस इंशाल्लाह जुम्मा के दिन होगा ऐसा मुझे लगता है। तो ये आप लोग सब की राय से और ये मशवरे से मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि इंशाल्लाह जुम्मा के दिन जोहर के बाद अपने को ये जुलूस निकालेंगे इंशाल्लाह। ये सबकी मशवरा है ना, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये पूरा जुम्मा के दिन ही दोपहर को अपना जोहर के बाद ही अगर जुलूस निकलता है तो एक पुलिस प्रशासन को भी ये बात उन लोगों को भी कैसा है इनका जो बंदोबस्त देना है ये करना है वो करना वो सब अपनी बातें होगी ऐसा मुझे लगता है। और मुस्तफा भाई बराबर तो इंशाल्लाह हम लोग अभी ये सब तय किए हैं कि अपने को जुम्मा के दिन निकालेंगे। अभी कुछ बात ये है कि लियाकत भाई ने बताया कुछ लोगों ने बताया तो सुबह में मेरी एसपी साहब से बात हुई और एसपी साहब को मैंने बोला ये कि हमारी एक मीटिंग है और हमारी मीटिंग के अंदर अगर तय हुआ कि जुमा के दिन हम लोग जुलूस निकालेंगे तो आपको हमारे साथ कलेक्टर साहब के पास आना पड़ेगा और हमारी रिक्वेस्ट आपको ये रखना पड़ेगी कि हमको उस दिन हॉलीडे दो क्योंकि ये कलेक्टर साहब के हाथ में है कि फ्राइडे के दिन वो उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर छुट्टी जाहिर कर सकते तो हम लोग ये हमारी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह के हमारे कभी शिष्टमंडल बनाएंगे एक 7-8 लोग 10 लोग 11 लोग जैसा भी अपना होता है अपन एक बनाएंगे और वो शिष्टमंडल मैं एसपी साहब से टाइम लेता हूं अभी लूंगा इंशाल्लाह। ये जैसा अपना मीटिंग खत्म होती है तो या भी बाजू में जाके लूंगा एसपी साहब से बात करूंगा कि साहब हमारा तय हुआ है कि हम लोग जुम्मा के दिन करेंगे लेकिन हमारा शिष्टमंडल को आप वक्त दो कलेक्टर साहब से बात करके कि हम लोगों को उनके सामने हमारी बात रखने की तो इंशाल्लाह वो भी बात अपन रखेंगे। अभी मैं ये जैसा मेरी बात खत्म होती मैं एसपी साहब के पास बात कर लूंगा और टाइमिंग भी कलेक्टर साहब का ले लूंगा इंशाल्लाह।